लक ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। लो जी, मंसूर भाई का ऑर्डर हो गया लॉक, और खालिद भाई का ऑर्डर हो गया है गैस। जानी, क्या तुम हर वक्त गेम भी खेलते रहते हो बाबा? अब लोगों काम शाम भी कर लिया करो। गेम? मैं काम कर रहा हूँ भाई। जानी, मैं बहुत उदास हूँ। उदास हो तो एक काम करो, कार्टून देख लो। वो तो मैं देख रही हूँ। जरीना, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, इसमें बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। जाने थोड़ा दिमाग बाबा इधर भी लगा लिया करो। दिमाग लगाना है, दिमाग खराब नहीं करना। जानी जानी, ये बच्चों किधर चले गए? अरे आपके शौहर है, आपको बताओगे, मुझसे क्या पूछ रही है? अरे सुबह सुबह उठ के पता नहीं किधर चले गए। हाँ मैंने देखा था, आधा साईं पता नहीं जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे थे। आखिर इतनी जल्दी किस बात की थी? मेरा ख्याल से साइकिल किराए पे ली होगी। क्या बात कर रहे हो जानी, जाओ बाहर जाके देखो, बाहर ही होंगे। हाँ मैं बहुत बिजी हूँ इस वक्त काम में। अच्छा पहले तो मैं देख के आ जाऊँ। रहने दो, तुम्हें बहुत शौक है बाहर जाने का। अरे जाने दो मैडम, अच्छा मैं सुकून से काम कर लूंगा। छोड़ो रहने दो, मैं खुद ही जाके देख लेती हूँ। अरे रहने दो रहने दो, ऐसी बात है तो मैं देख के आता हूँ, ये ले। हाँ दे दो ये अपना टिप टॉप शॉप, मैं देखती हूँ बाबा काम शाम। अबे टिप टॉप लैपटॉप बोलना तो सीख लो पहले। क्या? लैपटॉप। टिप टॉप काम खराब नहीं करते ना, छोड़ो रहने दो। खैरियत खैरियत, क्या हो गया बच्चू भाई? अरे बाबा जानी तुम बीच में जाओ, मैं से छोड़ूंगा नहीं बाबा। ओए मर्द का बच्चा है तो बाहर निकल। अरे बाबा तू अंदर आ। मैं कहता हूँ बाहर निकल। अरे बाबा मैं तुझे पकड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे बाबा तुम औरत का बच्चा है तो अंदर आ। अरे 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 कैसा शोर है, क्या है? सीमा मैडम बीच में जा रही है आप। हुआ क्या है? अरे बाबा मेरा झगड़ा हो गया। किससे, कौन है? ओ मैं कहता हूँ बाहर निकल। बेचारी सर आप देखना कौन है। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, तूने काका के बंदे को मारा है। अरे बाबा तो तुम मेरा बंदा मार दो। कहाँ है तेरा बंदा? बाबा ये जानी मेरा बंदा ही है। बच्चे भाई मुझे क्यों बीच में ला रहे हो? बात क्या है मुझे तो बताएं। मैं अपनी वाइफ के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा था, इसने पीछे से आवाज लगाई, दुपट्टा संभाल लो चेन में आ जाएगा। ये तो इसमें झगड़ा करने वाली कौन सी बात है, ये तो अच्छी बात है। उसने पैंट शर्ट पहनी हुई थी, दुपट्टा तो था ही नहीं। अरे बाबा तुम जोड़ो, तुमने हाथ पहले कैसे उठाया है? देख अब मैं करता क्या हूँ, तू यही रहता है ना, देख अभी मैं बंदे लेकर आता हूँ यहाँ पर। अरे बाबा जाओ देखता हूँ मैं भी, क्या कर लोगे तुम, ले आओ बाबा बंदे, मैं भी देख लूंगा। भाई बंदे लेने गया, कुछ करो। क्या करना है बाबा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, हटो मुझे जाने दो। अरे 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 बाबा क्या हो गया? बच्चू भाई का झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया? किससे झगड़ा हो गया? तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? अरे बाबा मेरे इतना टाइम हो गया ना, कोई झगड़ा नहीं देखा ना इसीलिए। अरे बाबा मैं हड्डी पसली एक कर दूंगा उसकी। बाबा भाई पुट का गोश्त अलग रखना, उसका पुलाव बनाएंगे। बच्चों मुझे तो बहुत डर लग रहा है, वो लड़के ले रहे गया है। वैसे एक बात है, एक दो लड़कियां होंगी तो मजा आ जाएगा। अरे बाबा वो समझते हैं क्या अपने आप को, तुम लोगों ने अभी बच्चों का गुस्सा नहीं देखा है। नहीं नहीं बच्चों भाई देख रहे हैं, देख रहे हैं। मैं सोच रही बच्चों के ना आप गाँव चले जाए। बाबा मैं क्यों चला जाऊं गाँव? हाँ ना बाबा, वो तो बंदे जमा करके ला रहा है, और हमारे घर में तो सब औरतें हैं, मर्द तो कोई है ही नहीं। मैं कौन हूँ? तुम मर्द नहीं हो बाबा, तुम लड़के हो। अच्छा अच्छा फिर ठीक है। अरे बाबा लड़के ला रहा है तो लाने दो बाबा, हमारे पास भी बहुत है बंदे, बुलाता हूँ मैं सब बंदों को। लेकिन बच्चों हमारे पास बंदे कहाँ हैं? अरे बाबा क्या बात करती है, हमारे पास भी तो इतने सारे हैं, शब्बन भाई, शौकत भाई, बेग साहब, और वो जानी मानी शानी जो भी है बाबा, सारे दोस्त हैं, कैसे दिन काम आएंगे बाबा। ये
ये सब कहाँ लड़ेंगे? अरे बाबा वो तो जवान बंदे ला रहे हैं और ये हमारे साथ जो बुड्ढे और ये मोहल्ले के जो छोकरे, ये भला उनसे कैसे मुकाबला करेंगे? बिल्कुल ठीक कह रही है जरीना, बिल्कुल ठीक कह रही। लेकिन जानी थोड़ी सपोर्ट तो मिल जाएगी ना। चले फिर उनको पिटवाना है तो मैं ले आता हूँ। अरे बाबा मैं भी देख लूंगा उन्हें, क्या बात कर। अरे बच्चों क्या हो गया आपको? मजा पड़ता है क्या? तुम लोग अपना मुंह बंद ही रखो। अरे भाई हमारे ये समझ जा रहा कि तुमने इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? अरे बाबा शौकत भाई, आज आपकी वफादारी का ना इम्तिहान है। मैं फेल हो जाऊंगा भाई। क्यों बोला? अरे भाई मेरे मैट्रिक में भी दो पेपर रह गए थे। मुझे बताएं बात क्या है, मुझे बताएं। अब शबन भाई बच्चों का ना झगड़ा हो गया है। कोई बात नहीं, मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं। अरे बाबा मियाँ बीबी में नहीं हुआ है, बाहर हुआ है दादा का झगड़ा। फिर मैं चलता हूँ, मुझे ना जरूरी काम है घर पे। मेरे घर पे भी मेहमान आए हुए, मुझे भी जाना है। अरे आप लोग यही बैठे, कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे भाई सब लोग रेडी हो गए, वहाँ वो भी बंदे जमा कर रहा होगा। अरे बाबा बैग हिसाब भी नहीं आया अभी तक। हो सकता है वो उन्हीं बंदों के साथ आए। नहीं भाई वो हमारे आड़ी है। अबे यहाँ कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, तेरे आड़ी मेरे आड़ी बर्फ पानी को अजीब बात भी। बाबा शौकत भाई और बाबा शबन भाई, बाबा पीछे नहीं हटने, मैं बता रहा हूँ। ठीक है फिर मैं आगे की तरफ से निकल जाऊंगा। और मैं भी इन्हीं के साथ चले जाऊंगा। हाँ तो फिर तैयार हैं आप लोग? भाई मैं तो आज तक किसी से नहीं लड़ा हूँ, हमेशा पिटा हूँ। और मैंने भी हमेशा ना मार ही खाई है भाई। अरे बाबा आज अदा की खातिर थोड़ी सी और खा लो। अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? अरे बाबा ये बेगसाब किधर रह गए हैं? मैं बुला के लाता हूँ। मैं भी चलता हूँ, मैं भी बुला के लाता हूँ। अरे नहीं नहीं कोई कहीं नहीं जाएगा, आप लोग यहीं बैठे। बाहर बेल बजी है, मैं देख रहा हूँ कौन है, आप लोग यहीं बैठे। बाबा एक बात बताएं, आप सब लोग मेरे साथ हैं? तो चलो पहले फिर बोलो, अदा बच्चू जिंदाबाद, अदा बच्चू जिंदाबाद, अदा बच्चू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुंह से निकल गया तुम्हारा। फिर से हां, अदा बच्चू जिंदाबाद, अदा बच्चू जिंदाबाद। बाबा बस बस कर, चलो भाई तोर में रोटी लगा दो। अरे बेग साहब जल्दी आओ। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाई खैरियत तो है सीमा? आज सुबह ही सुबह आपने दरवाजा खोला। जी जी बेग साहब, वजह है उसकी कोई। अच्छा अच्छा बताएं क्या वजह है? बताती हूँ लेकिन पहले ये बताएं कि आप वर्दी पहन के क्यों नहीं आए? अरे भाई इतनी जल्दी जल्दी तो बुलाया तुमने, वर्दी कैसे पहनता है? सिचल आया। अरे शुक्र है बेग साहब आप आ गए। अरे भाई आप बुलाए और हम ना आए, ये कैसे हो सकता है? यही तो है प्यार और मोहब्बत। बेग साहब एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्या हो गया? वो ना बच्चों का झगड़ा हो गया है। हाँ और बंदे लेने गया वो। अच्छा अच्छा वो मैं चलता हूँ, मुझे सारे काम याद आ गया है। छोड़े सारे कामों को बेग साहब, बच्चों की जिंदगी से बढ़ के है क्या? अच्छा अगर ऐसी बात है तो तैयार है ना? नहीं ना मैं अभी आता हूँ। बेग साहब आज हमें आपकी जरूरत है। मैं आता हूँ ना अभी, मैं जरा वर्दी तो पहन लूँ। वर्दी पहनने की क्या जरूरत है? मतलब वर्दी नहीं पहनेंगे तो क्या होगा? बगैर वर्दी के तो बहुत पिटूंगा मैं। कोई बात नहीं बेग साहब, बच्चों तो बच जाएगा ना। वाह अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी का बच्चा मरवा रही हो? बेग साहब ऐसा है कि वो जरीना ना याद कर रही है अंदर। अच्छा काहे काहे जरीना काहे? काहे काहे नहीं, अंदर है, अंदर जाए। अच्छा अच्छा चलो आओ, चले, आओ, चले, चलते हैं अंदर आ जाओ। भाई बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे। अरे बाबा मैं तैयार हूँ झगड़ने के लिए। अरे चर्या हो गया है क्या बाबा? अरे झगड़ा जब शुरू हो तो मेरे को बता देना, मैं अंदर चली जाऊंगी। मुझसे तो तुम बहुत लड़ती हो। आ जाओ फिर। अरे बाबा तुम दोनों चुप करो। बाबा जानी बाबा ये बताओ हमारे सारे बंदे आ गए? सब मौजूद हैं। वो भाग तो नहीं जाएंगे? हाँ बाबा लगता तो ऐसे ही है। वैसे एक बात है, हमने सारे बुजुर्ग और मोहल्ले के लड़के और वो जमा किए, हार जाएंगे हम पक्का। मैं पहले कुछ खा लूं झगड़ने के लिए? अरे नहीं बाबा मेरे को भूख लग रही है। हद करती हो रीना, यहाँ हमारी नींदे उड़ी हुई है, तुम्हें भूख लग रही है? जानी बाबा तुम अंदर से डंडे वंडे निकाल के रखो और बाबा उन लोगों को दे दो। वो ड्राइंग रूम में मैंने पहले ही रख दी है। मुझे तो लगता है ये लोग भाग जाएंगे। मैं उनको भागने नहीं दूंगा। वो कैसे? वो ऐसा है कि मैं एक एक बंदा भेजूंगा लड़ने के लिए। बस ये ठीक है। मुझे लगता है बाहर कोई आया है। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।
हाँ तो मेरे जियालो तैयार हो? बिल्कुल बॉस। ए इतने ठंडे तैयार हो अबे, अब क्या शौकत? क्या हो गया? दिखाओ जरा मर्द बन के। यार ये शाबाश। तो भाई रेडी हो? मैं हूँ ना। चलो अब जो भी सामने आए किसी को नहीं छोड़ना, ठीक है? मुझे लगता है आ गए वो लोग, तो जो भी सामने आए फोड़ डालना सबको। अरे जाने भाई आप फिक्र ही नहीं करो, आप बस देखो क्या होता है। चब्बन तुमसे ज्यादा मुझे फिक्र है, लेकिन चाबक एक एक करके भेजता हूँ। चब्बन भाई पहले जाओ। देखो सी चाबक अपने सर पे नहीं मारना, उसके मारना। हाँ आप फोड़ दो। औकात। अरे 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 क्या हो गया? अरे पागल हो गया? जी माफ कीजिएगा, मैं समझा वो कौन? वो आप कौन है? मैं रानू हूँ। ये बच्चू का घर है? जी जी बच्चू का घर यही है। आप कितने खूबसूरत हैं। जी आप कितने अच्छे हैं। जी शादी हो गई आपकी? नहीं अभी कहाँ मेरी शादी, मेरी अभी उम्र ही क्या है। लेकिन ये जो बाल से फैद है आपके, ये तो मेरा स्टाइल है, ये तो मेरा बनाया हुआ है। आपके यहाँ मोहल्ला बहुत अजीब है, कोई अच्छे छोलों की चाट की दुकान ही नहीं है। किसने कहा आपको? मैं बताता हूँ बहुत चाट। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसे नहीं है ना। नो प्रॉब्लम, पैसे की क्या टेंशन है, मेरे पास है ना बहुत पैसे। आप खिलाएंगे मुझे? जी ऑफ कोर्स। तो फिर चले? जरूर चले। लेकिन ये बल्ला बल्ला क्यों? अरे बल्ले को छोड़े आप, चले। ये क्या कर रहे हैं आप? आप कौन? मैं मानो ये बच्चू का घर ही है। बच्चू का घर यही है? आप कौन है? मैं, हम यहाँ पे ना बच्चों की हिफाजत के लिए आए थे। कितने हैंडसम है आप। जी कितने गुड लुकिंग। जी जी शादी हो गई आपकी? अभी तो नहीं। अब हो जाएगी। मुझे भी यही लगता है भाई। लेकिन मेरे पास दुल्हन का सूट नहीं है। अरे तो दुल्हन का सूट तो दूल्हा बनाता है। तो आप खुद बना कर देंगे क्या? और क्या, चले इतनी जल्दी? दुकान ही बंद हो जाएगी। लेकिन ये डंडा? अरे भाग गया। अच्छा 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 लगता है बाबा शौकत भाई मर गए हैं। क्या हुआ बाबा जानी, क्या हुआ, कौन निकला बाबा? वो अपने शौकत भाई थे ना। बेचारे बहुत अच्छे आदमी थे बाबा। अरे अरे भाई वो दुनिया से थोड़ी निकले हैं। तो फिर गेट पे कोई लड़की आई थी उसके साथ निकल गए। इतना बड़ा धोखा। पर वो छोकरी थी कौन? मैंने नहीं देखा। अरे बाबा तुमने भी नहीं देखा है? लो भाई अब तो एक बंदा कम हो गया हमारा। कोई बात नहीं, आप भी हम लोगों के पास है, दो तीन तो है ना। और जानी बाबा बार को यार लगता है। देखो अब किसको भेजू? अरे हाँ बाबा जानी क्या हुआ बाबा, कौन जीता? अरे कुछ नहीं हुआ, बारिश हो गई, मैच ड्रॉ हो गया। अरे जानी हुआ क्या है? वो खातून आई थी गेट पे, उनको खाना खिलाने लेके निकल गए। अरे बाबा ये तो एक एक करके सभी निकले चले जा रहे हैं। आधा साई बोला फिर आप कब लड़ने के लिए जाओगे? अरे बाबा मैं कमांडर हूँ और कमांडर हमेशा आखिर में जाता है जंग के। कमांडर भाई एक बात बताओ, ये औरतों से झगड़ा हुआ था या मर्दों से? बाबा हुआ तो मर्दों से। अब मुझे लगता है भाई कोई आया है। अरे बाबा मुझे लगता है वही आई है। हर बंदा कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इंप्रोवाइज नहीं। अरे कौन है मुन्ने तुम यहाँ? मैं कुछ नहीं, यही बस। मैं तो तुम्हें ढूंढती ढूंढती यहाँ पर आई थी। हाँ चलते कहाँ चले? तुम्हारे घर पे गई थी, अम्मा ने बोला तुम यहाँ पर हो तो मैं यहाँ पर आ गई। नहीं करो मुझे बड़ी शर्म आ रही है। चले सीवीओ चल लेते हैं कहीं। चलो 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 चलो। ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आज तक किसी को नहीं छोड़ना। एक काम कर तू बैठ इधर, घर की सफाई कर मेरे साथ मिलके। अरे जानी भाई आपने हथियार दिया लेकिन देखना तुम काम कर दूंगा। आ जा मेरा बेटा। चार अच्छा बाहर भी नमक है कम, आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। भेक साहब मैं आपको ड्राइंग रूम में छोड़ के आप यहाँ छुपे बैठे हुए। अरे हिम्मत
हिम्मत जानी भाई, कुछ होगा तो नहीं, पिटूंगा तो नहीं मैं। अरे आप पुलिस में है, एसएच जो है, पोजीशन है आपकी। अच्छा? ये चीज। और एक बात, गेट पे जो आए ना, इस बैट से आपने जड़ देना टिका के, ठीक है? नहीं फिक्र ना जानी भाई। अच्छा हाँ, ये लो। और हाँ, बच्चू भाई से वादा किया शर्मिंदा ना करना उनको। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ऐसा कूटूंगा, ऐसा कूटूंगा कि नस नहीं आती। ये चीज मेरे अजीज। यस डा भाई, बेग साहब का तो हो गया काम पूरा। मेरा मतलब है कुछ अच्छा हो जाएगा। बे आराम को। अरे तेरी। अरे 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 क्या कर रहे हो भाई, लग जाएगी। माफ कीजिएगा, आप कौन? मेरा नाम शानो है। नाम तो बड़ा खूबसूरत है आपका, किसने रखा है? मेरी मम्मा ने। और आप कौन? दुनिया मुझे बेग साहब कहती है। अच्छा, आपकी तो जूतों की दुकान है ना? नहीं नहीं भाई, मैं पुलिस में हूँ। पुलिस में आप? तो फिर आप मेरे काम कर देंगे? पर भाई ये मेरा मोबाइल छीन गया। अच्छा, किसने छीना है? मुझे पता होता तो आपसे क्यों कहती। आप रिपोर्ट दर्ज करा दें। कहाँ पे? अरे भाई थाने में। और कहाँ? अच्छा, कौन से थाने में? अरे भाई मेरे थाने में। तो आपका थाना कहाँ है? करीबी है। अच्छा फिर चले। हाँ क्यों नहीं चले। गाड़ी है आपके पास? अरे लेटेस्ट ब्रांड न्यू गाड़ी है मेरे पास। लेकिन ये बैट आपके हाथ में? बल्ला बल्ला, चले आइए। बाबा मेरे को तो लगता है कि बेग साहब भाग गए। नहीं बेग साहब बिल्कुल ऐसे नहीं है, वो हमारे बंदे हैं। करेंगे नहीं, कर दिया। देखा बाबा, बेग साहब ने काम तमाम कर दिया है। बच्चू भाई, जब निगाह उठा के बेवफाओं की तरफ देखा तो कुछ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। क्या मतलब? मतलब ये बेग साहब निकल लिए। देखा, मैं कहती थी ना बाबा भाग गए ना। अब मुझे लगता है भाई कोई आया है। मुझे लगता है उन लड़कियों में से कोई एक लड़की आई है, मैं जाके देखता हूँ। अरे बाबा ऐसे कैसे अकेले जाके देखता हूँ, मैं भी चलूंगा देखने बाबा। अरे बाते, हम भी देखते हैं कौन लड़की आई है। चलो छोकरी होगा पीछे खुद ही घुएंगे क्या ये? अरे कौन है भाई, कौन इतना बदतमीज आदमी है? अरे तुम कहा था ना नहीं छोड़ूंगा। अरे बाबा आप हम नहीं खेल रहे। क्यों? अरे बाबा हमारे सारे बंदे ही चले गए। उन्हें हमने ही भेजा था। वो कैसे? वो लड़कियां हमने ही भेजी थी, हमें पता था तुमने बंदे जमा करके रखे हुए। काका नाम है मेरा। काका भाई हमें माफ कर दें प्लीज। माफ भी कर देंगे। थैंक यू काका भाई, लेकिन पहले कूटेंगे। अच्छा। अरे बाबा खबरदार, किसी ने हाथ लगाया तो। बच्चों बदला तो देना होगा, कूटो। अरे बाबा क्या बात करता है, किस खुशी में जा रहा है? वो बर्फ लेने जा रहा है, पानी ठंडा ही नहीं है। तो भला फ्रिज से निकाल लो। सीमा मैडम आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका फ्रिज खराब हो गया। कैसे? अगर फ्रिज बोलता तो मैं पूछ लेता। कौन हो भाई? भाई तू कौन है हम दोनों के बीच में बोलने वाला? ये हमारा फैमिली मैटर है। जरीना तुमने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। हमारा फ्रिज ठीक कर देंगे ना? फ्रिज? फ्रिज तो क्या, मैं तो आपके शोहर को भी सही कर दूं। अरे बाबा से फ्रिज ही ठीक करना है। हाँ ठीक है, सही हो जाएगा, पहले चाय मंगवा लो। पापा वो कारीगर है ना, वो कहता है मुझसे बगैर चाय के काम नहीं होता है। तो उसको बोल दो हम बिना बगैर काम के चाय नहीं पिलाते। अरे पापा मेरा तो दिल कर रहा है उसको जहर पिला दूं। बागों में फूल खिल रहे हैं, पौधों के ऊपर तितलियां बैठ रही हैं। अरे भला ऐसे मौसम में क्या होता है? अरे भाई ऐसे मौसम में प्यार होता है। दूंगे ना एक चम्मच कान के नीचे, पत्ता चल जाएगा। हाँ बाबा कुछ समझ आया? ये आखिरी सांसें ले रहा है। तो क्या ऑक्सीजन लगेगी क्या? ये इंसान थोड़ी है जो उसे ऑक्सीजन लगेगी। तो बाबा ये सांसें ले क्यों रहा है? मेरे घर का चूल्हा खराब है, जरा उससे दिखवा दो यार। भाई तेरी शक्ल देख के मुझे शक हो गया, तो कंप्लीट बावला हो गया। अबे फ्रिज सही करने वाला चूल्हा कैसे सही करेगा, चूल्हे वाले के पास जा। ये हर साल हम वहाँ से तरबूज तोड़ते हैं। आम के बाग से तरबूज? हाँ, और बाजार में जाके टमाटर बेच देते हैं। ये बात कुछ समझ नहीं आई। इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा। जोनो करवो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी। नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा। बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा।